समझा, अभी उठी हूँ, सारा काम करनी हूँ, पहले डब्बा बनाई बेटी का, अभी चाय भी नहीं पी हूँ दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले अपनी बेटी का डब्बा बनाऊंगी, उसको लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी बनाई राइस चावल और आलू की सब्जी, इसको पहले उसको डब्बा में दे दूंगी, फिर मैं काम अपना करूंगी, उसको जाने का रहता है। आज मैं 7 बजे ही उठी हूँ दोस्तों, जल्दी जल्दी काम करने के लिए, पहले मैं जल्दी जल्दी उठ के काम की, पहले मैं बोली रोटी ले जाओ, तो बोलती है रोटी मैं नहीं लूंगी, तो मैं जल्दी जल्दी जीरा राइस बनाई हूँ। और साथ में आलू की सब्जी बनाई हूँ। इसे डब्बा देख के फिर मैं काम करूंगी। अभी सारे बर्तन भी हो गए हैं, रात का मैं धो ली थी, अभी क्या हुआ है बनाने में। इसके बाद दोपहर को मैं फ्री रहती हूँ, लेकिन सुबह सुबह बहुत काम रहता है। चलिए दोस्तों, मेरे बेटी का डब्बा मेरा बन चुका है, फिर आगे और कुछ काम करती हूँ। मैं दोपहर में खाना खाई, खा के सोई 1 घंटा, इसके बाद उठी हूँ, सारे कपड़े मैं आयरन की हूँ, इसके बाद ही कोई काम करूँगी। मैं सारे कपड़े आयरन घर में ही करती हूँ, हो चुका है सब। घर में बैठी रहती हूँ ना, तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, हो जाता है करने में, क्या है। मैं तो अपना कपड़ा में जल्दी करती नहीं हूँ, इतना कहीं जाती आती नहीं हूँ ना, जैसे मेरे पति देव के कपड़े रहते हैं, उन्हीं का कपड़ा है उनकी। ये सारे कपड़े हो चुके मेरे, है ना, इसको बंद करके आयरन को रखूंगी। अब इसको सारे को अलमारी में रखूंगी, हो गया। देखिए दोस्तों, आज मैं आलू और गोभी की सब्जी बनाऊंगी और रोटी। अभी मैं खाना बनाऊंगी, फिर मार्केट जाना है, मुझे घर का छोटा छोटा कुछ कुछ सामान लाना है। पहले मैं खाना बना लूंगी, फिर क्या ना नीचे से आने के बाद नहीं मन करता, तो वो मैं सब्जी बना के जाऊंगी, फिर इसके बाद आटा भी लगा ली हूँ। ये देखिए आटा लग गया है मेरा, ये सब्जी है, सब्जी पहले बना लूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट, फिर मार्केट से आने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी। हमारा कुकर भी गर्म हुआ नहीं हुआ है, पानी है इसमें नहीं हुआ है गर्म। हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें मैं पंचफोरन डाली हूँ, इसमें मैं पीस के नहीं डाली हूँ, मैं ऐसे करके दी हूँ, क्योंकि कुकर में बनाऊंगी ना, इसमें मैं पीस के नहीं दी। आलू को भी साथ में बनाऊंगी, पहले मैं गोभी को डालती हूँ। अच्छा, हल्का लाल करेंगे, कम करके ढक दूंगी, कम करके ढक दूंगी, बीच बीच में चलाते रहूंगी।
ये मेरी सब्जी हो चुकी है। इसे मैं गैस बंद कर चुकी थी, इसका गैस भी निकल गया, ठंडा हो चुका है। कुकर में इसमें बची हुई धनिया दे दूंगे। ये देखिए हमारा सब्जी तैयार, आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है। अब मैं मार्केट जाऊंगी दोस्तों, फिर इसके बाद जो भी होगा नीचे से आने के बाद ही रोटी बनाऊंगी। चलिए ये देखिए दोस्तों, मैं मंदिर आई हूँ। ये गणपति जी का मूर्ति है, ये माँ अम्बे का है, ये मंदिर है। चलिए माँ का दर्शन हो गया, अब जाऊंगी। वो सब्जी भी लूंगी। रास्ते में तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, हर दुकान में तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है ना, आप समझ सकते हो। ये मैं मटर ली 1 किलो, ये कुरमुरे का लेके आई नाश्ता के लिए, सब्जी भी नहीं था मेरे घर में तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या सब्जी लूं, तो मैं मेथी ली। ये देखिए मेथी बहुत अच्छा मेथी दिखा, तो मैं बोली चलो मेथी का रोटी बनाऊंगी, अभी ठंडी में अच्छा भी लगता है ना, फायदा भी करता है ना। ये पालक है, पालक मैं ली, और क्या ली, हाँ ये ली, मेरा ये चूल्हे का कपड़ा खराब हो गया था, पुराना हो गया था तो मैं ये ली नया, खराब हो गया था। और ये सीम दाना ली, वो भी घर में खत्म हो गया था। मैं उस दिन दोस्तों गई थी मॉल में ना, तो तेल ठंडा तेल नहीं था तो मैं नहीं ले पाई, तो मैं आज लेके आई, क्योंकि वो मेरे मुझे इसके बिना चलता नहीं है, इतना सर दर्द करता है, ये तेल बिना मुझे नहीं चलता है, तो मैं इसके लिए लेके आई। मॉल में खोजी थी मगर नहीं मिला। ये एक लेके आई हूँ बच्चों लोग का नाश्ता के लिए, नूडल्स वगैरह में देने में अच्छा रहता है, यही सब लाई और कुछ नहीं लाई, बस और कुछ नहीं। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो आप देखिए और पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल फिर नए ब्लॉग में मिलेंगे आपका। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।